गुड मॉर्निंग क्लास एट। हम लोग अपना साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस किस कैटेगरीज में उसको बांटा गया था। और इससे पहले हमने पढ़ रहे थे यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे किस किस तरीके से काम आते हैं। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी दही जमाने में हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, यानी बैक्टीरिया दही जमाने में मदद करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आज हम दूसरा पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। चलो देखते हैं, यीस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। यीस्ट का जो काम है वो इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के काम आता है। यीस्ट बताया था ना कल क्या होता है, फंजाई होता है एक यीस्ट। ठीक है बच्चों, When yeast is mixed in dough for making bread, the yeast produces rapidly and gives out carbon dioxide gas during respiration. जब हम dough बनाते हैं, dough किसे बोलते हैं, जैसे कि आपने मैदा आटे से कुछ बना रहे हो उसे को हम dough बोलते हैं। जब ब्रेड में dough में yeast मिलाते हैं तो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें yeast प्रोड्यूस हो जाता है, और जब वो सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है उसमें, तो क्या होता है, द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जब कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के जो बबल्स निकलते हैं उसमें डो की जो फीलिंग्स होती है, वॉल्यूम होता है, उसको फिल कर देते हैं। दिस मेक्स द ब्रेड राइज, इससे जो ब्रेड है बहुत जल्दी बन जाता है। द होल्स इन द ब्रेड आर ड्यू टू द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग ऑफ ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। जब ब्रेड के अंदर आप लोगों ने देखा वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, बबल्स होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है, जब हम बेक करते हैं ब्रेड को, बनाने के लिए रखते हैं, तो क्या होता है, यीस्ट जो है जल्दी जल्दी सांस लेता है, रेस्पायर करता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर बबल्स बनते हैं। जैसे आप लोग फिगर में देख रहा होगा, ये आपने डो रखा है, इसके अंदर आपने इसको बेक किया, बेक करने के बाद देखिए ये इस तरह से फूल गए, इसके अंदर जो है बबल्स बन गए होंगे। दिस मेक्स द ब्रेड लाइट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, इससे क्या होता है, ब्रेड जो है हल्का रहता है, सॉफ्ट होता है, और बहुत ही स्पंजी होता है। ठीक है ना, फॉर द सेम रीजन यीस्ट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज, इसीलिए यीस्ट का हम इस्तेमाल केक और पेस्ट्री बनाने के लिए भी करते हैं। वी कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्शन ऑफ यीस्ट इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड एज फॉलोज। ब्रेड बनाने के लिए आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ईस्ट में ब्रेड बनाने का तरीका ये है, इसमें ईस्ट का यूज होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज क्या है, यानी बड़े पैमाने पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में, और विनेगर बनाने में यूज किया जाता है। यीस्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका अल्कोहल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। द अल्कोहल इज देन यूज इन मेकिंग वाइन, बियर एंड विस्की एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्पिरिट। एल्कोहल बनाने के बाद उसका यूज किस किस में होता है, वाइन बनाने में, बियर बनाने में, विस्की बनाने में, और इंडस्ट्रियल स्पिरिट बनाने में यूज किया जाता है। सो वी कैन से नाउ डैट यीस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहलिक ड्रिंक। इसे हम कह सकते हैं जो यीस्ट का यूज किस लिए किया जाता है, प्रोड्यूस किस लिए किया जाता है, एल्कोहलिक यानी शराब जैसे ड्रिंक, यानी नशीले पदार्थ बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे वाइन, बियर, विस्की, ये सब नशीले पदार्थ हैं। एंड इंडस्ट्रियल स्पिरिट, यीस्ट इज कैपेबल फॉर कन्वर्टिंग शुगर इंटू एल्कोहल। ईस्ट की क्षमता क्या होती है, वो शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। द शुगर फॉर मेकिंग एल्कोहल कम फ्रॉम द सब्सटेंस सच कैन केन जूस एंड फ्रूट जूस, और फ्रॉम सब्सटेंस सच एज बार्ली, मेज एटसेट्रा। एल्कोहल बनाने में जो शुगर का इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आती है, केन जूस यानी शुगर केन से बनती है शुगर, किसी फ्रूटी जूस यानी फ्रूटी जूस से बनता है शुगर केन शुगर, और अलग अलग सब्सटेंसेस से, बारले से, मेज से, इन सब से बनता है।
जिसमें स्टार्च ज़्यादा हो और जो क्या करता है शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में हो जाए किसके एक्शन से? यीस्ट के एक्शन से, यानी यीस्ट की प्रेजेंस में है शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पैस्टर इन 1857। फर्मेंटेशन को लुईस पैस्टर ने 1857 में डिस्कवर किया था। इन ऑर्डर टू मेक अल्कोहल यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, मेज, राइस, केन शुगर, फ्रूट जूस एटसेट्रा। यीस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। दिस अल्कोहल इज यूज्ड एज फॉर वेरियस पर्पस। जो यीस्ट जो है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और अल्कोहल का यूज अलग अलग पर्पस पे अलग अलग जगह पे किया जाता है। वी कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखिए आप लोग ये एक्टिविटी करके देखना, इसको एक्टिविटी को पढ़ के देखना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। बैक्टीरिया कैन टर्न अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। बैक्टीरिया जो है अल्कोहल से एसिटिक एसिड में टर्न हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड ऑन अ लार्ज स्केल फर्स्ट अल्कोहल इज मेड बाय यूजिंग यीस्ट। एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया आर देन एडेड टू अल्कोहल एंड एयर इज बबल्ड थ्रू इट। जो यीस्ट क्या करता है, जो एक बैक्टीरिया है एसिडोबैक्टर एरिया है वो उसमें एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया है वो अल्कोहल में ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिडोबैक्टीरिया क्या करते हैं? अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम एसिटिक एसिड बनाते हैं ना, तब इस प्रोसेस में यही चीज़ होती है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना, आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गिज, यानी कि माइक्रो ऑर्गिज का मेडिसिन यूज कैसे होता है, मेडिसिन यूज में माइक्रो ऑर्गिज कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, मैंने आपको दो चीज़ पढ़ाई, मेकिंग इन ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड को कैसे बनाते हैं और माइक्रो ऑर्गिज का कॉमर्शियल में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग इतना पढ़िएगा, नेक्स्ट टाइम पे अगला पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।